हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम एग्रीकल्चर है, उसका पार्ट 1। तो आइए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, इस एग्रीकल्चर चैप्टर को शुरू करेंगे, बट उसके पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए, आपको मालूम है एक इंसान जो है ना, वो बिना खाने के समझ लीजिए रह ही नहीं सकता, है कि नहीं? ये सिंपल सी बात है। और जो व्यक्ति मान लीजिए उसको खाना नहीं मिला तो क्या होता है, शुरुआती 3 दिन तो वो सिर्फ लड़ाई करेगा, है ना, एक पूरे हफ्ते लड़ेगा वो, और एक महीने में मान लीजिए कि वो मर जाएगा, ऐसे ही हाल होगा उसका। खैर, तो अब एग्रीकल्चर से हम थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से निकला। ये एग्रीकल्चर शब्द निकल के आया है 2 लेटिन के शब्दों से। लेटिन के शब्द क्या, एगर, या कह लीजिए इसे कहते एग्री, ठीक है, जिसका मतलब होता है सॉयल, और कल्चरा, कल्चरा, ठीक है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर, सॉयल, कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म में अगर हम देखें तो इसमें सारे ही एस्पेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन के, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के, फिशरीज के, फॉरेस्ट्री वगैरह के, सब जो है इसके अंदर कवर होते हैं। तो एग्रीकल्चर आप समझे। अब इसी में और टर्म भी हैं, जैसे कि एक आता है अपना सिल्वीकल्चर, SILVICLUTURE, सिल्वीकल्चर, ये आर्ट है कल्टिवेट करने की फॉरेस्ट ट्रीज को, ठीक है। उसके बाद एक आता है सेरीकल्चर, जिसका मतलब होता है रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स की, ताकि रॉ सिल्क बनाई जा सके। उसके बाद आता है एपीकल्चर, ये जब हनी का मेंटेनेंस होता है, हनी की बी कॉलोनीज का मेंटेनेंस होता है कॉमनली इन हाइव्स या बाय ह्यूमंस, तो उसे कहते हैं एपीकल्चर, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद एक आता है ऑलीकल्चर, ठीक है, ऑलरी कल्चर, ठीक है, ये साइंस है वेजिटेबल ग्रोइंग की, जब सब्जियां उगाते हैं, ठीक है, मतलब नॉन वुडी जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं ना, उनके साथ जब हम डील करते हैं फॉर फूड तो हम बोलते हैं ऑलरी कल्चर। फिर एक आता है साथियों, जिसे हम लोग कहते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर ऐसी साइंस है, प्रोडक्शन और स्टडी है ग्रेप्स की, किसकी, ग्रेप्स की, अंगूर की। उसके बाद एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ये डिसिप्लिन है हॉर्टिकल्चर की, कंसर्न है विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर गार्डन्स। फिर एक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर ये कल्टीवेशन, मैनेजमेंट और स्टडी है इंडिविजुअल ट्रीज की, श्रब्स की, वाइन्स की, और दूसरे जो भी पेरिनियल वुडी प्लांट्स होते हैं उनकी, ठीक है। फिर एक आता है, बोलते हैं हम पोमोलॉजी। क्या है पोमोलॉजी, ये ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की जो फोकस करती है कल्टीवेशन पे, प्रोडक्शन पे, हार्वेस्ट और स्टोरेज पे, किसके, फ्रूट के, फ्रूट वगैरह के। फिर आता है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को उगाया जाता है एक एयर में, एरो कह रहे हैं ना, एयर में या मिस्ट एनवायरनमेंट में, जिसमें सॉइल का या कोई एग्रीगेट मीडियम का यूज़ नहीं होता, ठीक है। फिर ऐसे ही एक नाम आप समझ जाएंगे, ये आजकल बड़ा फेमस भी हो रहा है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स ऐसा तरीका है जिसमें प्लांट्स को उगाते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का यूज़ करके, वाटर में और बिना किसी सॉइल के। अक्सर प्रदर्शनी लगती है फूलों की, उसमें आप देखेंगे तो ये सब देखने को आपको मिलेगा। फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब जो ज़मीन पे उगते हैं प्लांट्स, इन्हें इनकी रूट्स के साथ उगाया जा सकता है मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ओनली, और इन एन इनर्ट मीडियम, जैसे कि पर्लाइट, ग्रेवल, मिनरल वूल, या है ना एक्सपैंडेड क्लियर कोकोनट हस्क में। उसके बाद बात आता है जियोपोनिक। जियोपोनिक क्या है, जियोपोनिक फार्मिंग प्रैक्टिस में रिफ़र करता है टू ग्रोइंग प्लांट इन नॉर्मल सॉयल। नॉर्मल सॉयल में जब प्लांट को उगाया जाता है तो उसको जियोपोनिक कहते हैं, ठीक है ना।
इतनी बात समझ में आई कि क्या है क्या नहीं है सारी बातें, हाँ ये आप एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब स्कोप और इम्पोर्टेंस समझते हैं एग्रीकल्चर का, ठीक है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं स्कोप क्या है और एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों जीडीपी में एग्रीकल्चर का 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है और एग्रीकल्चर हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन को 2/3 पॉपुलेशन को लाइवलीहुड सपोर्ट देता है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट करीब 57% के आसपास देश के वर्कफोर्स का है और ये एक लौता सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन है। अब एग्रीकल्चर में देखें तो बहुत टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी आती है करीब 15-16%, रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए जैसे टेक्सटाइल, सिल्क, शुगर, राइस, फ्लोर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी फूड सिक्योरिटी को इतनी बड़ी पॉपुलेशन की मेंटेन करता है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। कुछ एलाइड सेक्टर्स जैसे हमने बताया आपको हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज़, इनका अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल है इम्प्रूव करने में ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को, हेल्थ को और न्यूट्रिशन को इस रूरल मासेस के। तो अब बात आती है कि इतना किसान इतनी चीज़ों से झेलता है तो प्रॉब्लम्स हैं क्या हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के साथ में। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्रैगमेंटेशन है लैंड होल्डिंग का। बाहर के देशों में हमारे जितना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं होता लेकिन वहाँ पे लैंड होल्डिंग किसान के पास बहुत बड़ी बड़ी है। तो उसमें क्या होता है ना, जब बड़े लेवल पे आप कुछ उगाओगे तो उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, लोन भी इजीली मिलता है, चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आती, जो ख़रीदता है वो बल्क में ख़रीद भी लेता है। यहाँ क्या है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं किसानों के पास में, इससे बहुत वो अपना उगा के खुद खाएं कि बेचें कि करें क्या। दूसरा है कि स्मॉल और रीजनल मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो मैंने बताया आपको, रीजनल वेरिएशन है, कहीं पर कुछ है मामला कहीं पर कुछ है, सीजनल रेनफॉल पर हमारा देश डिपेंड करता है, ठीक है बारिश नहीं हुई तो फसल खराब, प्रोडक्टिविटी लैंड की कम है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना। अब क्या होता है कि जाओ चलो जिस टाइम पे खाली बैठे हैं, सीजन ख़त्म, चलो क्या करा जाए उस टाइम। उसके बाद मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, इसमें बहुत कमी है और वीक लैंड रिफॉर्म्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशंस आए हैं पास्ट में उनके बारे में बताना चाहती हूँ, इसमें यहाँ पढ़ेंगे लेकिन यहीं पे बता देती हूँ आपको। एक आया था बहुत फेमस अपना ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड था, फिर आया गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड था, ग्रे जो है वो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन से है रिलेटेड, ब्लू फिश के प्रोडक्शन से, ब्लैक पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, पिंक प्रॉन प्रोडक्शन से, राउंड पोटैटो प्रोडक्शन, रेड मीट या टमेटो प्रोडक्शन, सिल्वर, सिल्वर किसके लिए, दो के लिए है, एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन हो गया, वाइट मिल्क प्रोडक्शन और येलो ऑयल सीड के प्रोडक्शन से, थोड़ा बहुत याद रखिएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और क्रॉप और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों जब हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी एक ग्रीक शब्द है जिसे लिया गया है एग्रोस, इसका मतलब होता है फील्ड, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है एग्रोस मतलब फील्ड और नोमोस, नोमोस मतलब मैनेजमेंट, तो क्या हुआ फील्ड का मैनेजमेंट मतलब एग्रोनॉमी। तो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो क्रॉप प्रोडक्शन से और सॉइल के मैनेजमेंट से डील करती है। क्रॉप वो सारे प्लांट हो गए जिनको बहुत बड़े लेवल पे उगा रहे हैं फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए या दूसरे ह्यूमन यूजेस के लिए। अब क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेट पे बेस्ड है उसको समझते हैं। ट्रॉपिकल की बात करें, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो तरह की क्लाइमेट समझते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्रॉप जो है वो उगते हैं अच्छे से वार्म और हॉट क्लाइमेट में, जैसे कि राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ज्वार वगैरह हो गया। और टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें तो क्रॉप उगते हैं यहाँ पे कूल क्लाइमेट में, एग्जाम्पल वीट, ओट्स, ग्राम, पटेटो एक्सेट्रा। अब क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है ग्रोइंग सीजन पे उस पर गौर समझिएगा। तीन तरह के सीजन हम लेके चलते हैं। खारिफ, खरीफ को हम यहाँ पे रेनी भी कह लो, मानसून भी कह लो, ठीक है इसको थोड़ा गौर समझ लीजिएगा। ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको मानसून के महीने में, मतलब जैसे आपका जून से लेके अक्टूबर,
इन महीनों में उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर तक। इसमें गरम गरम वार्म वेट वेदर की ज़रूरत होती है। मेजर पीरियड जो क्रॉप ग्रोथ का होता है उसमें गर्मा गर्म ही रहते हैं, देख रहे हैं ना, जून से उसके बाद गर्मी रहेगी। और इसमें काफ़ी शॉर्ट डे लेंथ चाहिए उनकी फ्लावरिंग के लिए। एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ उगते हैं इसके अंदर, कॉटन, राइस, जवार, उसके बाद क्या, बाजरा, ये सब। फिर आया यहाँ पे राबी सीज़न। राबी सीज़न मतलब यहाँ पे विंटर सीज़न या कह लो कोल्ड सीज़न। ये क्रॉप्स जो होते हैं इनको उगाया जाता है विंटर सीजन में। कब से? अक्टूबर से लेके यहाँ पे मार्च के तक ये चलते हैं। इन महीनों की बात है, क्रॉप्स बढ़िया ठंडी जगहों पे ड्राई वेदर में बढ़िया उगते हैं। इनको लॉन्गर डे लेंथ चाहिए होती है फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आता है वीट आता है, ग्राम आता है, सनफ्लावर आता है, तो ये सब इसी में ही आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तीसरा आता है समर। समर या इसको जैद क्रॉप्स भी कहते हैं। ये समर के महीनों में मतलब आपका मार्च से लेके जून तक के लिए उगाए जाते हैं। इनमें वार्म ड्राई वेदर की ज़रूरत होती है ज़्यादातर इनके ग्रोथ पीरियड में, और लॉन्गर यहाँ पे डे लेंथ चाहिए इनको फ्लावरिंग के लिए। इसमें कुछ जगह कुछ क्रॉप्स का नाम आता है, जैसे कि अपनी ग्राउंड नट मतलब मूंगफली हो गई, उसके बाद वाटर मेलन, एक तरबूज हो गया, पम्पकिन, ठीक है, कद्दू अपना प्यारा सा, है ना, लौकी वगैरह, तरोई वगैरह, ये सब गार्ड्स। तो इतना समझ गए कि क्या मामला चल रहा है, खारिफ, राबी और जैद क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। अब क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे क्रॉप्स की करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम सीरियल्स को समझाते हैं आपको। देखिए सीरियल्स को ये कल्टीवेटेड ग्रासेस हैं जिनको उगाया जाता है इनके एडिबल स्टार्ची ग्रेन के लिए। इनमें से जो ये बीज इनका निकला वो खाने के काम आता है। बड़ा ग्रेन यूज़ करा जाता है स्टेपल फूड पे, उसे ही कहते हैं सीरियल। जो बड़ा बड़ा इसका जो बीज है उसे हम खा रहे हैं, मतलब बीज कहीं कहते हैं, जो ग्रेन है उसे हम खा रहे हैं, तो उसे हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एज एन, उसी को कहते हैं हम लोग सीरियल्स। अब इसमें क्या, ऐसे समझ लीजिए राइस हो गया, उसमें से वीट हो गया, उसके अलावा मेज है हम लोग खाते हैं, बार्ले है, ठीक है, बार्ले, जौ, ओट्स खाते हो आप, तो ये सब है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सीरियल जो वर्ल्ड का है वो अपना ये राइस है। विश्व भर में बहुत सारे लोग इस राइस को तो खाते ही खाते हैं। अब इसमें ब्रेड वीट, मैक्रोनी वीट, एमर वीट, ड्रॉट वीट, इस तरह का वीट आप पाओगे। अब यहाँ पे दूसरा आते हैं मिलेट्स। ये एनुअल ग्रासेस है जो है ऑफ अ ग्रुप सीरियल है। दे आर एनुअल, दे आर ऑल्सो एनुअल ग्रासेस ऑफ अ ग्रुप सीरियल, बट इनको कम एरिया में उगाया जाता है या लेस इंपॉर्टेंट एरिया में उगाया जाता है, जिसकी प्रोडक्टिविटी या इकोनॉमीज भी कम होती हैं। अब ये स्टेपल फूड है गरीब लोगों का, गरीब आदमी इसको खाता है। इंडिया के अंदर पर्ल मिलेट ये एक स्टेपल फूड है, राजस्थान के अंदर। तो मेजर मिलेट्स होती हैं, माइनर मिलेट्स होती हैं। बेस्ड ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड है किस एरिया में प्रोड्यूस हुई हैं और प्रोडक्टिविटी क्या है और ग्रेन का साइज़ क्या है। तो आइए समझाते हैं। इसमें जो मेजर मिलेट्स हैं उनमें नाम आता है ज्वार का या सोरगम कह रहे हैं इसे, ठीक है। फिर आता है पर्ल मिलेट, बाजरा हो गया, कुंबू। फिर आए यहाँ फिंगर मिलेट या रागी। रागी आप खाते होंगे, हम तो डाइट पे बड़ा खा रहे हैं आजकल ये ज्वार और रागी, गरीब आदमी। उसके बाद माइनर, माइनर मिलेट्स की बात करते हैं। तो इसमें आ गया फॉक्स टेल मिलेट, हाँ, लिटिल मिलेट, उसके बाद कॉमन मिलेट, फिर आ गया आपका बार्न यार्ड मिलेट, उसके अलावा यहाँ पे कोडो मिलेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई, समझ गए। मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स मैंने आपको बता दिया। अब पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, या बात करें हम यहाँ पे ग्रेन लेग्यूम्स कहते हैं ना दालों को, तो ये तो पल्सेस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जिनके माध्यम से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रोटीन। इंडियन डाइट में हम प्रोटीन जो है पल्स से लेते हैं, दाल से लेते हैं। ज़्यादातर एसेंशियल इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हमें काफ़ी हद तक मिलते हैं। इकोनॉमिकली देखें तो पल्सेस सस्ती भी हैं और बहुत ही चीपेस्ट सोर्स हैं प्रोटीन का। इन्हें कल्टीवेट करा जाता है ताकि सॉयल में भी इनरिचमेंट आए और जो बचा हुआ मॉइस्चर है वो यूटिलाइज कर सकें, और जो बचता है रेसिड्यू है तो गिव अ रेवेन्यू इन अ शॉर्टर पीरियड।
ठीक है ना, कम टाइम में यहाँ पे पैसा भी जो है उग जाता है, मतलब इसके माध्यम से कमा लेते हैं, तो ये फायदे हैं। अब इसमें रेड ग्राम होती है, ब्लैक ग्राम होती है, ग्रीन ग्राम होती है, काउ पी है, उसके अलावा बंगाल ग्राम है, हॉर्स ग्राम है, ड्यू ग्राम है, सोयाबीन हो गया, पीज या गार्डन पी हो गई, और गार्डन बीन हो गई। अब नेक्स्ट आता है ऑयल सीड क्रॉप्स। दोस्तों ये क्रॉप्स कल्टीवेट करे जाते हैं किस लिए? ऑयल को बनाने के लिए, ऑयल के प्रोडक्शन के लिए, चाहे खाने वाला हो, इंडस्ट्रियल या मेडिकल पर्पस के लिए। तो इसमें ज़्यादा फैट आप देख पाओगे इसके अंदर होता है। अब देखिए इसमें जो है ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली का तेल बनता है ना, तो यहाँ ग्राउंड नट या पी नट। फिर सेसमे, सेसमे क्या है आपके जो तिल है ना, सनफ्लावर, कैस्टर, लिनसीड या फ्लैक्स जिसे अलसी कहते हैं हम लोग, नाइगर, उसके बाद हो गया सेफ्लावर, उसके बाद रेप सीड या मस्टर्ड। तो ये सब देखते हैं ना कि कड़वा तेल में बनता है। तो 45 से 50% जो ऑयल कंटेंट है ये इन सारे बीजों में, सीड्स में प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं शुगर क्रॉप्स। देखिए जूस निकाला जाता है इसमें से, ठीक है, शुगर स्टेम यूज़ करी जाती है, बाकी जो स्टेम है वो गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे मोलासेस, बैगीज, प्रेस मड है ना, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे इसमें से निकलते हैं। मोलासेस का यूज़ करा जाता है अल्कोहल बनाने के लिए और ईस्ट फॉर्मेशन के लिए भी। उसके बाद इसका जो बाय प्रोडक्ट है एक बैगीज, इसका पेपर बनाने के लिए, फ्यूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आती है इसमें एक प्रेस मड निकलता है जिसका यूज़ करते हैं सॉयल अमेंडमेंट के लिए, और थ्रैश जो हुआ जैसे ग्रीन रीफ प्लस जो सूखा हुआ फॉइलेज बचा तो वेस्ट को कैटल को खिलाने के काम ले आते हैं। ठीक है, तो ये शुगर क्रॉप्स के अंदर ये शुगर स्टेम वाला समझ गए, फिर इसी के अंदर शुगर की स्टेम समझे, फिर शुगर बीट बात करें तो शुगर बीट में ट्यूबर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, ट्यूबर्स और टॉप्स जो है उनका यूज़ करते हैं फॉडर के तौर पे कैटल को खिलाने के लिए। फिर स्टार्च क्रॉप या ट्यूबर क्रॉप्स क्या होते हैं समझिएगा, स्टार क्रॉप्स या क्या कहेंगे इसको, ट्यूबर क्रॉप्स, जिसमें आ गए अपने, आप नाम सुनोगे तो रिलेट कर लोगे, पटेटो, ठीक है, उसके बाद टैपियोका या कसावा, उसके बाद ये शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, ठीक, ये सब इसके अंदर आया। फिर आए फाइबर क्रॉप्स, तो एपिडर्मल हेयर जो सीड हेयर ऑफ सीड कोट्स इज द इकोनॉमिक पोर्शन, लिंट, कैपस सीड, इसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू, फाइबर होता है इसमें, और स्टॉक जो है ये फ्यूल नेचर का है, गारमेंट पर्पस के लिए, सीड फॉर कैटल फीड के लिए, या ऑयल जो है वो खाने लायक होता है, तो फाइबर क्रॉप्स हो गए। कॉटन की बात करें तो ये तो रुई हो गई ना, तो करुंगन्नी, उसके बाद यहाँ पे नाम आता है उपम कॉटन का, इसके साथ यहाँ पे है अपनी अमेरिकन कॉटन या हम कह लें कि कैम्बोडियम कॉटन, ठीक है, और एक आती है इजिप्शियन कॉटन या इसे कहेंगे हम लोग सी आइलैंड कॉटन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टेम फाइबर, स्टेम फाइबर में यहाँ पे है जूट, जूट के साथ मेस्टा, सन हेम्प, उसके साथ सीसल हेम्प, ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आया स्टेम फाइबर्स में। और फिर आता है नारकोटिक्स, नारकोटिक्स जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे, जैसे कि अपना ये टोबैको, उसके अलावा बेटल वाइन, उसके अलावा एरिक नट, तो ये सब आता है नारकोटिक्स में। समझे क्लासिफिकेशन क्या रही अपने क्रॉप्स की। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं फोरेज एंड, अच्छा नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे नहीं कंप्लीट हुआ है, और कुछ चीज़ें बच रही हैं और भी समझ लीजिएगा। फिर इसी के साथ आते हैं फोरेज और फॉडर क्रॉप्स। इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो फोरेज क्रॉप्स हैं जिसमें पूरा जो इंटायर वेजिटेटिव पार्ट है इसका यूज़ करा जाता है ग्रीन फॉडर के तौर पे, और बचा स्टॉक्स और लीव्स, ये मेजर इकोनॉमिक पोर्शन है फॉर हे मेकिंग। हे कट करा जाता है फिर पीसेस में, और इसे कॉन्सेंट्रेटेड एनिमल फीड के साथ मिला देते हैं और जानवरों को खिला देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रासेस की बात करेंगे अगर हम, तो ग्रासेस में बताएं तो नेपियर ग्रास हो गई, इसके अलावा पारा ग्रास आती है, बरमुडा ग्रास है, गीनिया ग्रास है, और क्या है यहाँ पे रोडस ग्रास है। फिर जब हम लोग लेग्यूम्स की बात करते हैं तो ल्यूकैडनी, जैसे अल्फा अल्फा
मतलब अल्फल्फा कहते हैं, उसके अलावा इजिप्शियन क्लोवर जिसे बर्सिम कहते हैं, इंडियन क्लोवर जिसे फॉर्डर सेंजी कहेंगे, फिर आया यहाँ पे सिरातो, स्टाइलो, उसके अलावा यहाँ पे सुबाबुल, उसके बाद यहाँ पे क्या आया कि वेलवेट बीन, तो ये सब इसके अंदर आया। और फिर आता है यहाँ पे प्लांटेशन, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है, देखिए इसमें टी मतलब प्लांट्स, और उसकी जैसे टी की लीफ हो गई, कॉफ़ी का सीड हो गया, रबर का जो है मिल्क एक्सुडेशन से हुआ ये बना, कोकोआ भी सीड है। प्रोडक्ट जो कि क्रॉप प्लांट्स के हैं, इनका यूज़ करा जाता है फ्लेवर करने के लिए, टेस्ट और कभी कभी कलर को भी, द फ्रेश प्रिजर्व फूड रखने के लिए। और एग्जाम्पल जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, चिली हो गई, क्यूमिन अनियन हो गई, कोरिएंडर मतलब धनिया, कार्डमम है, ये सब जो इलायची वगैरह, पेपर, टर्मरिक वगैरह। और मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर चिंचोना हो गया, इसबगोली है, इसबगोली खाते ना पेट साफ होता है, ओपियम पॉपी हो गया, सेना, उसके अलावा बेलाडोना, आप इसका वो देखा होगा आपने तो, होम्योपैथिक में बनता भी है, रॉ फोरा, आइकोराइस, ये सब है। और अरोमेटिक प्लांट है ना, खुशबू भी दे रहे हैं, फ़ायदे भी दे रहे हैं। लेमन ग्रास आपने चाय पी होगी इसकी, उसके अलावा सिट्रोनेला ग्रास हो गई, पाल मोरसा हो गया, जैपनीज मिंट, पेपर मिंट, रोज, जैस्मिन, हेना वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड है ऑन लाइफ ऑफ क्रॉप्स या ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लासिफाई जब क्रॉप्स को करेंगे तो कैसे करने वाले हैं, उनकी लाइफ के बेसिस पे करने वाले हैं और ड्यूरेशन पे करने वाले हैं। देखिए इस बेसिस पे देखा जाए क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे एक तो हो गए सीजनल क्रॉप्स, है ना, एक ऐसा क्रॉप जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर देता हो। एग्जाम्पल के तौर पे राइस है, ज्वार है, वीट है, ये सब एक सीजन में अपना उग के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि टू सीजनल क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स ये अपनी लाइफ साइकिल दो सीजन में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, उसके अलावा टर्मरिक हो गया मतलब हल्दी, इसके साथ साथ जिंजर हो गई, तो ये। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम एनुअल क्रॉप्स की। एनुअल क्रॉप्स मतलब इनको एक पूरा साल लगता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जैसे अपना क्या हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक, मतलब गन्ना। चौथे नंबर पे आते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं बाइनियल, बाइनियल क्रॉप्स मतलब इनको दो साल लगते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें बनाना का नाम आता है, ठीक है, उसमें पपाया का नाम आता है, हम लोग तो फट से खा लेते हैं लेकिन बनने में इनको दो साल लग जाता है। और पाँचवें नंबर पर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पेनिनियल क्रॉप्स, ठीक है। पेनिनियल क्रॉप्स मतलब जो कई सालों तक के लिए उगें, फ्रूट क्रॉप्स, मैंगो, गुआवा वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये अपना इतने इतने टाइम तक के लिए ये सारे क्रॉप्स चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ये तो हमने बताया, क्रॉप्स या ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स इतने टाइम तक रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है कल्चरल मेथड पे, देखिए ये हमने जो भी आपको बताया ना क्लासिफिकेशन, ये इतने टाइम में तैयार हो जाएगा और फसल फिर ख़त्म हो गई है इसकी, है ना, लेकिन उस हिसाब से मैंने क्लासिफाई करा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इतने टाइम में बनता है, इतने टाइम तो चलते हैं, लाइफ जो क्रॉप की है वो इतने टाइम की है बेसिकली, फसल भी तैयार हो जाती है और प्रॉपर जो है रिजल्ट भी देती है, क्रॉप भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है क्या कहते हैं कल्चरल मेथड पे या वाटर पे, तो इसमें एक तो हो गए रेन फेड, ठीक है, रेन फेड हो गए मतलब जो क्रॉप और कल्टीवेशन है मेनली बेस्ड है पानी की अवेलेबिलिटी पे, रेन वाटर की अवेलेबिलिटी पे, बारिश के पानी पे, तो इसमें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, ये सब इसमें अंदर आते हैं। और दूसरा होता है इरीगेटेड, ठीक है ना, इनको इरीगेशन से जो है फसल उग रही है, तो क्रॉप्स जो इरीगेशन की मदद से उगाए जाते हैं जैसे कि चिली, सुगर केन, बनाना, पपाया, तो इसमें ये सब नाम आता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है उनके रूट सिस्टम पे। रूट सिस्टम से क्या क्लासिफाई करेंगे, सबसे पहले टैप रूट सिस्टम, तो मेन जो रूट जो अंदर सॉइल के जाती है उसे हम लोग टैप रूट कहते हैं ना, तो यहाँ पे जो मेन रूट है जो जाए बिल्कुल सॉइल के अंदर, इसमें आपका तूर, ग्रेप है, उसके अलावा कॉटन है, इनके नाम आते हैं। दूसरे नंबर पे
फाइबर रूटेड क्या होते हैं, जिनमें क्रॉप्स ऐसे जिनकी रूट काफ़ी फाइबर ऐसे शैलो है, ऊपर ही है और सॉइल के बस पास में ही फैली है दूर तक, जैसे सीरियल क्रॉप्स होते हैं, वीट होता है, राइस वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड है उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे देखा जाए तो सबसे पहले इसके अंदर नाम आता है कैश क्रॉप्स का। कैश क्रॉप्स को उगाया जाता है पैसे कमाने के लिए, जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, और दूसरे होते हैं फूड क्रॉप्स, जिन्हें फूड ग्रेन्स निकालते हैं पॉपुलेशन के लिए और फॉडर हो गया जानवरों को देते हैं, एग्जांपल ज्वार हो गया, वीट हो गया, राइस वगैरह हो गया, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स पे, देखिए अंदर बीज कितना है, तो इसमें एक होते हैं मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स को हम लोग मोनोकॉटिलिडॉन्स भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉटिलिडॉन है इन द सीड, एग्जांपल जितने सीरियल्स हैं या मिलेट्स हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है डाइकॉट्स या डाइकॉटिलिडॉन्स क्रॉप, इसमें दो कॉटिलिडॉन्स हैं इस सीड के अंदर, टुकड़े हैं उसके ना, जैसे सारी दालें आप देखेंगे दालों के अंदर दो दो टुकड़े देखने को मिलेंगे ना, ज़्यादातर ऑलमोस्ट ट्रीज ऐसे ही आप पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे मिलेट्स में क्या है, सीरियल्स में क्या होता है, अब राइस है या वीट है तो एक ही तो अंदर से निकलता है ना वो, अभी आप अरहर की दाल उठा लीजिए तो उसमें दो टुकड़े निकल आएंगे, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है लेंथ ऑफ फोटो पीरियड, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जितना उनको लाइट चाहिए फ्लोरल इनिशिएशन के लिए, फूल उनका उगने के लिए, तो अगर इस पर क्लासीफाई करें तो ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड लाइट पर डिपेंड करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं उस पर, खासकर फ्लोरल इनिशिएशन के लिए जब तक उनके यहाँ फूल नहीं निकलता, और प्लांट पे इफेक्ट जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं फोटो, यहाँ मैं लिख देती हूँ फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। डिपेंड करता है लेंथ पे फोटो पीरियड की, जिसकी ज़रूरत पड़ती है फ्लोरल इग्निशन के लिए, और इनको प्लांट को इसके अंदर जो क्लासीफाई करा गया है वो क्लासीफाई करा गया है, एक तो हो गया शॉर्ट डे प्लांट, मतलब फ्लावर उगा, ठीक है, जब जो दिन थे वो शॉर्ट लेस थे देन 10 आवर्स, जिसमें राइस, ज्वार, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम वगैरह उगता है। फिर एक होता है लॉन्ग डेज प्लांट, जिसमें क्या होता है कि लॉन्ग डेज की ज़रूरत होती है मोर देन 10 घंटे जो है लंबे दिन हो फ्लोरल इनिशिएशन के लिए, जिसमें कि अपना वीट हो गया, बार्ले वगैरह हो गया, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, मतलब फोटो पीरियड कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता है इनके फेस चेंज में, इन सारे प्लांट के, जैसे कि अपने हो गया कॉटन हो गया, उसके अलावा सनफ्लावर वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये हमने आपको क्लासिफिकेशन भी बताई डिपेंड करते हुए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है टिलेज। टिलेज क्या है देखिए समझिएगा, आपने सुना होगा इस शब्द को कई जगह पर। बेसिकली टिलेज एक ऐसा मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है सॉइल का विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशंस, ऐसी कंडीशन जो सही हो, आइडल हो, किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और यहाँ पे क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तब इसमें यहाँ एक शब्द आता है टिल्थ। टिल्थ क्या है, ये एक ऐसी फिजिकल कंडीशन है सॉइल की जो निकलती है आउट ऑफ टिलेज, या ये रिजल्ट हो गया एक तरीके से टिलेज का, ठीक है। टिलेज का जो रिजल्ट है वो टिल्थ है। टिल्थ मे बी अ कोर्स टिल्थ, फाइन टिल्थ हो सकती है, या मॉडरेट टिल्थ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, बींग जो उगाया जा रहा है, और सॉयल जहाँ पे वो कल्टिवेट करा जा रहा है। तो अब टाइप्स ऑफ टिलेज क्या है उनको समझते हैं। एक तो हो गया ऑन सीजन टिलेज और एक हो गया ऑफ सीजन टिलेज। अब ऑन सीजन टिलेज पहले आपको समझा दूं क्या होता है। ऑन सीजन टिलेज का मतलब हुआ टिलेज ऑपरेशंस जो करे जाते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए सेम सीजन में, या ऑन द ऑनसेट ऑफ क्रॉप सीजन में, इन्हें हम लोग कहते हैं सीजन ऑन सीजन टिलेज। और यहाँ पे जो दूसरा बताया ऑफ सीजन टिलेज, मतलब हम कहेंगे प्रिपरेटरी टिलेज, तो ये रिफर करता है ऐसे टिलेज ऑपरेशंस को जो किए जाते हैं वहाँ पे फील्ड को प्रिपेयर करते हैं क्रॉप्स को रेस करने के लिए। इसके अंदर डीप ओपनिंग हुई, सॉइल को लूज करा ताकि जैसा हम टिल्थ चाहते हैं वैसी टिल्थ हम ले आ पाए, एज वेल एज इसके अंदर डाला अपरूट वीड्स करे और क्रॉप स्टबल करा जब सॉइल जो है वो वर्केबल कंडीशन में आ गया। अब
प्रिपरेटरी टिलेज के क्या टाइप्स होते हैं? दो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि जब टिलेज ऑपरेशंस जो करे गए हैं क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, तो वो लाए लैंड को अंडर कल्टीवेशन, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी। समझ रहे? टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी टिलेज। अब प्लॉइंग हुई ना, प्लॉइंग हुई, ये ओपनिंग है कॉम्पैक्ट सॉइल की, खुदाई करगी डिफरेंट डिफरेंट प्लाओ से, ठीक है। उसके बाद कंट्री प्लाओ, माउल्ड बोल्ड प्लाओ, बोस प्लाओ, ट्रैक्टर और पावर टिलर, इनका यूज़ करा जाता है प्राइमरी टिलेज में। दूसरा आता है सेकेंडरी टिलेज। देखिए, टिलेज ऑपरेशंस जो सॉइल पे करे जाएं प्राइमरी टिलेज के बाद, ताकि यहाँ पे अच्छा सॉइल टिल्थ पा सके, तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी टिलेज। इसके अंदर क्या है, लाइटर या फाइनर ऑपरेशंस होते हैं जो करे जाते हैं सॉइल को साफ करने के लिए। जो क्लॉड बन जाते हैं उनको तोड़ो, उसके बाद मैन्योर उसके अंदर डालो, फर्टिलाइजर डालो, हैरोइंग और पैंकिंग, ये करा जाता है इस सारे काम को करने के लिए। फिर आई बात ड्राई टिलेज की। ड्राई टिलेज क्या है? ड्राई टिलेज प्रैक्टिस करा जाता है क्रॉप्स के लिए जिन्हें जो है सो कर रहे हैं, बो रहे हैं या प्लांट कर रहे हैं ड्राई लैंड कंडीशन में, जिसमें जो है सफिशिएंट मॉइस्चर इतना है सिर्फ सीड के जर्मिनेशन के लिए। ये सुटेबल है उन क्रॉप्स के लिए जो लाइक ब्रॉडकास्टेड पैडी, जूट, वीट, ऑयल सीड क्रॉप, पल्सेस, पटेटो, वेजिटेबल क्रॉप्स। फिर एक आया ड्राई है तो वेट भी होगा, तो वेट पुडलिंग टिलेज। ये टिलेज ऑपरेशन किया जाता है लैंड में जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर जो है हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे वेट या पडलिंग टिलेज। और पुडलिंग ऑपरेशंस के अंदर देखा जाए तो प्लॉइंग, लगातार प्लॉ करना स्टैंडिंग वाटर में जब तक के लिए सॉइल सॉफ्ट और मडी ना हो जाए। पडलिंग एक इम्पिरवस लेयर क्रिएट करता है सरफेस के नीचे, ताकि डीप परकोलेशन एकदम से अंदर घुस के जो है ना चला जाए और पानी लॉस ना हो जाए, ताकि सॉफ्ट सीड बेड रहे ऊपर और जो है राइस को प्लांट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये समझे, ये ऑन सीजन समझ गए। अब हम यहाँ पे ऑफ सीजन टिलेट की बात कर ली जाए, ठीक है, आगे बढ़े। ऑफ सीजन यहाँ पे नहीं, इसी के ही समझा देते हैं। ऑन सीजन और ऑफ सीजन था वो मैंने प्रिपरेटरी बोल दिया, तो उसके लिए रियली सॉरी। ऑन सीजन और ऑफ सीजन था, तो ऑन सीजन मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पे ऑफ सीजन टिलेज समझिए। ऐसे टिलेज ऑपरेशंस जो करे जाते हैं फॉर कंडीशनिंग द सॉयल, ताकि बढ़िया से कंडीशनिंग हो सॉइल की आगे आने वाले मेन क्रॉप, मेन सीजन क्रॉप के लिए। और इन्हें हम लोग मतलब आगे हमें आना है, मतलब आगे हमें कोई क्रॉप उगाना है, तो उसके लिए हमने पहले से ही सब सूटेबल से अच्छे से कंडीशन अपनी वहाँ बना दी, ताकि बढ़िया तरीके से आगे आने वाला मेन सीजन क्रॉप उग सके, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑफ सीजन टिलेज, ठीक है। ऑफ सीजन टिलेज यहाँ पे कई तरह से हो सकता है। पहला जिसमें कि यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज होगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे समर टिलेज, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे विंटर टिलेज की, और चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे फैलो टिलेज की, ठीक है। शुरू में मैंने वो प्रिपरेटरी के साथ ऑफ सीजन बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे आइए, तो ये चार तरीके समझ गए कि ये ऑफ सीजन टिलेज क्या है ना? अब स्पेशल पर्पज टिलेज की बात करते हैं। क्या स्पेशल पर्पज टिलेज? तो टिलेज ऑपरेशंस जो कुछ स्पेशल पर्पस सर्व करें उन्हें हम स्पेशल पर्पस टिलेज कहते हैं। जैसे कि सब सॉइलिंग करना, लेवलिंग करना, क्लीन टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, वेट टिलेज, जीरो टिलेज। उसके बाद सब सॉइलिंग आपको बताएं क्या होती है। सब सॉइलिंग की जो हार्ड पैन होता है ना, ये प्लाव लेयर के नीचे है ना, तो स्पेशल टिलेज ऑपरेशन ये है जो हार्ड पैन को तोड़ता है, ठीक है, चिजलिंग करता है। ये इसलिए करा जाता है ताकि कंपैक्शन ना हो। और सब सॉइल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वंस इन 4 से 5 साल में करना चाहिए, जहाँ पे हैवी मशीनरीज का यूज़ होता है फील्ड ऑपरेशन में, सीडिंग हार्वेस्टिंग में, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह में। तो अब एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे ये हैं कि सॉइल एक दूसरे को गत्थे बने रहेंगे सॉइल के, तो बेकार है ना। घर में भी आप देखते होंगे कि सॉइल को ऐसी मम्मियाँ उसके गत्थे गत्थे तोड़ देती हैं, है ना, तो जो उससे वॉल्यूम उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी सॉइल की, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बढ़िया रहेगा। एक्सेस पानी जो है में परकुलेट डाउनवर्ड नीचे तक जाएगा, और इससे क्या होगा कि परमानेंट वाटर टेबल भी रिचार्ज होता रहेगा। रन ऑफ
से बचेंगे, है ना, बह नहीं जाएगा पानी, सॉइल इरोशन नहीं होगा। रूट्स क्रॉप प्लांट की वो और नीचे सॉइल तक तो जाएंगी ताकि मॉइस्चर निकाल सकें वाटर टेबल से, ये फ़ायदा है। अच्छा, क्लीन टिलेज क्या होता है? क्लीन टिलेज ये रिफ़र करता है टू वर्किंग ऑफ अ सॉइल ऑफ अ इंटायर फील्ड इस तरीके से कि कोई भी लिविंग प्लांट वो अनडिस्टर्ब ना रह जाए, ठीक है। ये इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि वीड ना आए, सॉइल बॉर्न पैथोजन या पेस्ट ना पैदा हो। फिर ब्लाइंड टिलेज मैंने जो आपको बताया था, ये टिलेज किया जाता है आफ्टर सीडिंग या प्लांटिंग द क्रॉप, है ना, एक स्टरलाइज सॉइल में, या प्री इमरजेंस स्टेज पे क्रॉप प्लांट्स के, या वाइल दे आर इन अ अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, ताकि क्रॉप प्लांट जैसे सीरियल ट्यूबर क्रॉप्स वगैरह वो डैमेज ना हो, बट एक्स्ट्रा प्लांट और ब्रॉड लीव वीड जो है वो उखाड़ दी जाए। फिर आया जीरो टिलेज, मतलब नो टिलेज। इसमें नए क्रॉप्स को प्लांट करते हैं इन द जो पुराना क्रॉप है उसी के ही रेसिड्यू में प्लांट कर देते हैं, बिना कोई पहले से सॉइल टिलेज या सीड बेड प्रिपरेशन किए। और ये पॉसिबल है तभी जब सारी वीड वो कंट्रोल हो हर्बिसाइड्स डाल के। अब इसके जीरो टिलेज के क्या एडवांटेजेस हैं वो तो सुनते जाइए। जीरो टिलेज सॉइल्स ये होमोजीनियस होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, ज़्यादा नंबर ऑफ अर्थ वॉर्म यहाँ केचुआ आप पाओगे, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता है क्योंकि लेस इसमें मिनरलाइजेशन होता है, सरफेस रन ऑफ कम होता है ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च। लेकिन एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई होती है फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इस जीरो टिलेज में। पेरिनियल वीड्स ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर पार्ट या पेस्ट यहाँ आ सकते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खैर, हमने इसको टिलेज तक पढ़ा, अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के क्रॉपिंग से शुरुआत करेंगे। कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेम्बरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पर तो आपको ये वीडियोज़ हो सकता है यूट्यूब से पहले मिल जाएँ, तो मुझे आप हर जगह पर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।